सवाल है और ये सवाल पाठशाला की घंटी बजाता है। और शुक्ल जी का ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि कॉमन मैन कैसे समझे, मतलब मैं और पूछने वाले दर्शक कैसे समझे कि एक स्टॉक की वैल्यूएशन हाई है या एवरेज है। थोड़ा इसका व्यू बताइए, मतलब आपके सामने तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं चीजों को समझने के लिए, मेरे लिए और इनके लिए बताइए कि बेसिक पॉइंट क्या रहेंगे जिससे हम समझ ले कि हाँ वैल्यूएशन जो है वो एक दायरे से बाहर निकल गया। शुक्ल जी, इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं हो सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन देखने के पहले आगे का कैश फ्लो समझना पड़ता है। बिकॉज हो सकता है कि अब अगर कोविड वाला ही आप सिनेरियो लेंगे, तो कोविड वाले सिनेरियो से कोई भी चीज़ निकलेगी तो आपको लगेगा कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, बिकॉज हर कंपनी ही ऑलमोस्ट लॉस फेस कर रही थी। अगर लॉस फेस करेगी कोई कंपनी, अर्निंग ऐड ही नहीं होगा, ईपीएस ऐड ही नहीं होगा, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो आप देखते हैं, कोई भी अदर मल्टीपल ईबीटा सब देखेंगे, सब आपको महंगा होता हुआ दिखने लगेगा। लेकिन अगर जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं बोलूं, तो पीई एक खराब इंडिकेटर नहीं है एक समझने के लिए। हालांकि पीई एक बहुत अच्छा स्ट्रांग इंडिकेटर भी नहीं है मेरे हिसाब से, फॉरवर्ड अर्निंग्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पीई एक खराब इंडिकेटर नहीं है। मोस्टली जो डेटा है आज के तारीख में, क्या है कि 5 साल के साइकिल का भी डेटा एनफ है। पहले क्या था कि कम से कम 10 से 15 साल का साइकिल का डेटा लगता था, क्योंकि हर चीज़ का साइकिल थोड़ा लंबा होता था। अब बुल और बेयर साइकिल आप देख ही रहे हैं, कोई भी मार्केट गिरता है तो 3 महीने में बॉटम बन जाता है और 1 साल में नया हाई भी बन जाता है। इसलिए आप 5 साल का भी अगर एवरेज वैल्यूएशन देखें, तो उसके अगेंस्ट आप बिठा सकते हैं कि 5 साल के एवरेज के अगेंस्ट मेरा वैल्यूएशन कैसा दिख रहा है। अगर उससे ऊपर दिख रहा है तो थोड़ा उससे महंगा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें आप एक काम कीजिएगा, उस कंपनी के प्रीवियस ग्रोथ को देखिएगा। मान लीजिए कि कोई चीज़ 100 रुपये की होनी चाहिए और वो अभी चल रही है 115 रुपये, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इसका वैल्यूएशन 15% तो ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर आप क्या कीजिए कि आप उसके प्रीवियस ट्राजेक्ट्री का अर्निंग ट्राजेक्ट्री को देखिए। अगर 15% का उनका अर्निंग रन रेट है, तो फिर 1 साल में वो 15 गेन कर लेंगे, तो 100 का 115 पहुंच जाएगा। मतलब थोड़ा आउट भी है वैल्यूएशन, और अगले साल का एक आध साल का अर्निंग फैक्टर किया जा सकता है उसमें, तो वो वैल्यूएशन को भी आप फेयर वैल्यूएशन कह सकते हैं। नहीं तो सिंपल मैथ तो यही बोलेगा कि 115 और 100, इन दोनों में 15% का डिफरेंस है, इसलिए 15% एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसमें प्रीवियस रन रेट के हिसाब से 1 साल का उसमें अर्निंग का रन रेट ऐड करेंगे, वो 115 पहुंच जाएगा और वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो तरीका यही होना चाहिए कि आप पिछले 5 साल का और 10 साल का दो बकेट बना दीजिए, और उसके अगेंस्ट जो भी आप वैल्यूएशन पैरामीटर देखते हैं, पीई एक सबसे कॉमन पैरामीटर होता है, वो देखते हैं, उसको आप प्लॉट कर लीजिए। और जब तक उससे बहुत डिविएट नहीं हो, 2 साल से 3 साल का अर्निंग से ज़्यादा डिविएशन होने लगे, तब आप उसको एक्सपेंसिव कह सकते हैं, या उससे कम रहे तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं। ये तो एक जनरल सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होता है जो आपको कोशिश करनी चाहिए, जब भी एक बुलिश मार्केट होता है तब तो आपको आगे का अर्निंग को बेक इन करना होता है और फॉरवर्ड पीई पे वैल्यूएशन होता है। आपको फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करने के लिए तो डेटा नहीं रहेगा, लेकिन पिछले वाले डेटा को आप लगा देंगे, आगे सेम ग्रोथ को अप्लाई कर देंगे, तो आप 1-2 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कुछ बॉल पार्क नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बुल मार्केट में होता है। जब भी करेक्शन या बेयर मार्केट आता है, उसमें ट्रेलिंग पीई पे वैल्यूएशन देखा जाता है। क्यों? बिकॉज उस समय अर्निंग पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अर्निंग ग्रोथ होने की जगह अर्निंग का डी ग्रोथ हो जाता है, कहीं कहीं पे नेगेटिव ग्रोथ हो जाता है। इसलिए जब मार्केट गिरता है या अंडर वैल्यूएशन या बेयर मार्केट में कंपैरिजन मैं करता हूँ, तो मैं ट्रेलिंग पीई पे चला जाता हूँ, उसमें मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, मैं आगे का ग्रोथ भी नहीं देता। कहने का मतलब कि अगर मीडियन 100 है, तो मैं अगले 1 साल के अर्निंग 15 जो मैं इसमें ऐड करके एक उसको नॉर्मलाइज कर रहा था, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं उसको 100 पे ही करता हूँ, और 100 के नीचे जितना रहेगा वो मेरे लिए कंफर्ट है। रादर हो सकता है कि 1-8 साल का अर्निंग डी ग्रोथ भी उसमें बेक इन करके 90 के नीचे भी रहे, तभी उसको हम बेहतर या अंडर वैल्यूड समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इन जनरल थेरी अप्लाई कर सकते हैं उसके वैल्यूएशन को, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड के लिए। वैसे पैरामीटर्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपल वाला आप यूज़ कर सकते हैं। जी, क्या इसमें पीईजी यानी प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, क्या इसको भी हम फैक्टर इन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर हो जाएगा। हालांकि इस इंडिकेटर की चर्चा बहुत लोग करते हैं, लेकिन कॉमनली ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए
उपलब्ध नहीं होता है। आमतौर पे जितने प्लेटफॉर्म्स पे लोग नंबर्स देखते हैं उनमें पीईजी मुझे बहुत कम ही जगह दिखता है। मैंने जो आपको बताया वो पीईजी ही था, पीईजी था, लेकिन जी इसमें जो होता है वो टर्मिनल ग्रोथ होता है। वो आप कोई भी कैश फ्लो अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो कंपनी का 5 साल प्रोजेक्ट कर लिया और 5 साल के बाद उसको आप एक नॉर्मल ग्रोथ ट्राजेक्ट्री पे डाल देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये इसका टर्मिनल ग्रोथ रेट है और उस पे इसको आप डिस्काउंट कर देते हैं, जो कि आप फाइनली पीईजी निकालते हैं। लेकिन हर कंपनी अपने अलग अलग साइकिल पे होती है। कोई अगर नई कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, वो अपने इनिशियल साइकिल पे है, तो उसका ग्रोथ बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है आगे जाके, और नॉर्मल ग्रोथ हो सकता है 10 या 20 साल के बाद हो, जो हम ग्रोथ वहाँ पे टर्मिनल ग्रोथ डालना चाहते हैं, तो 20 साल के बाद हो सकता है हमको टर्मिनल ग्रोथ मिले भी नहीं जी। तो पीजी एक लेमैन के लिए यूज करना मैं समझता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाएगा, क्योंकि कई जगह आप देख कि आपको आज के आपका रेलवे स्टॉक देख लीजिए 10 टाइम्स पीईजी मिल रहा है, तो ये तो वैसे भी दिमाग खराब होने वाली चीज है कि पीईजी 10 टाइम्स आप चला रहे हैं, पीई तो छोड़ दीजिए 70-80 टाइम चला रहे हैं आप, तो वो तो नॉर्मल नो है। लेकिन कभी कभी अब किस साइकिल पे है, किस स्टेज पे है कंपनी, उसके हिसाब से कभी कभी 2-2.5 टाइम्स 3 टाइम्स भी पीईजी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी आपका 10% का नॉर्मल ग्रोथ है। लेकिन अगर साइकिल किक हुआ, जैसे ये केपेक्स साइकिल किक हुआ, कैपिटल गुड्स का साइकिल आया, 30-30% कंपनी ग्रो करने लगेगी, तो आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, तो पीईजी तुरंत नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही हाँ, लेकिन जब आप कैश फ्लो वगैरह एनालाइज करने की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में यही है कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, आपके पास जो सिस्टम है उसमें आप कर रहे होंगे। मैं आपके आपको अपने ऑफिस में ले आऊं, अपने लैपटॉप के सामने बिठा दूं, आपके पास अपना सिस्टम नहीं हो, उसके बाद जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से बताइए मैं कैसे ट्रैक करूं वैल्यूएशन को। बस आप फिलहाल पीई मल्टीपल को आप ट्रैक कीजिए और उसमें जो प्रीवियस ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ मत देखिए, बिकॉज पीईजी में आपको फ्यूचर ग्रोथ देखने जाना पड़ेगा। जो करंट ग्रोथ पिछले 2-3 साल का ग्रोथ रहा है उसी को आप एक उसी का मीन ग्रोथ ले लीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी पिछले 5 साल में एवरेज 15% पे ग्रो करती है, तो मान लीजिए कि आपका ये 100 का जो पी नंबर है वो 100 EPS नंबर है वो 115 हो सकता है, तो एक साल 15 और उसके ऊपर में और आप 15 डाल दीजिए, तो इस तरह से आपको एक बॉल पार्क नंबर मिल जाएगा जिससे आप फेयर वैल्यूएशन तो समझ जाएंगे कि कितना महंगा है। एग्जैक्ट जानने की वैसे भी जरूरत नहीं होती, मुझे भी नहीं लगता एग्जैक्ट कोई फैक्टर कर सकता है, लेकिन एक फेयर कैलकुलेशन मिल जाएगा। इसलिए फ्यूचर ग्रोथ पे जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप ये करंट ग्रोथ ही समझ लें। मैं लेमैन के हिसाब से कह रहा हूँ, अदरवाइज जो एनालिस्ट हैं वो लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए लेमैन के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर ग्रोथ में जाने की जरूरत नहीं है, करंट को लेके आप एक बॉल पार्क नंबर निकाल सकते हैं। बिल्कुल।